जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को जिसका इंतज़ार है अब वो ख़त्म हो चुका है। दोस्तों आज बताने चाहूँगा कि आप आज राजस्थान का जो बजट है वो घोषित हो चुका है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, क्या क्या 10 बड़ी जो घोषणा की गई है, 10 बड़ी जो घोषणा की गई है हम उनके बारे में बताएंगे। सबसे बड़ी कौन सी घोषणा है और किन के लिए की गई थी उनको हम बता देंगे। आज 10 तारीख है और राजस्थान का जो बजट है, विधानसभा में जो राजस्थान का जो बजट है वो अशोक गहलोत ने आज घोषित कर दिया गया है। जी हाल ही में अभी भी घोषित कर दिया गया है। जो भी न्यूज आप कल अखबार में पढ़ोगे, आज हम उस न्यूज को पहले ही बता दें कि क्या क्या न्यूज है। तो आगे बढ़ते, क्या कौन सी न्यूज दे रखी है। सबसे बड़ी जो अहम घोषणा है वो बेरोजगार युवाओं के लिए की गई थी, उसमें लगभग 75,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चालू की जाने के लिए बोला था कि 75,000 सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। दोस्तों यही यही बात रहती है कि राजस्थान पुलिस की या इसमें सम्मिलित है और शिक्षा विभाग में कौन कौन से कितने पद खाली पड़े हुए, किस विभाग के कितने पद खाली पड़े हुए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो बजट की सबसे बड़ी बात आ रही है वो जो बजट है आपका गांवों का बजट बोला जाना रहा है इसको, कि जो बजट है वो गांवों का बजट बोला गया है इसको। ये गांवों के लिए सर्वाधिक घोषणा की गई है अब की बार जो घोषणा में, और किसानों के लिए, गांवों में जो किसानों के लिए सर्वाधिक घोषणा की गई है इस बजट में। और बेरोजगार लोगों के लिए भी बहुत खास ध्यान रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक सौर ऊर्जा नीति बनाने के लिए एक कमेटी गठित की है, और इसमें मुख्य मुख्य मैं बात बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन सी बात की गई है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस विभाग में कितनी पद वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, क्या घोषणा की है उसके बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो सबसे छोटी छोटी बातों पर बात कर लेते हैं कि 6,000 ई मित्र खोले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 6,000 ई मित्र खोले जाएंगे राज्य के अंदर गाँवों में, जो भी गाँवों में 6,000। 18 महाविद्यालय खोले जाएंगे, 18 महाविद्यालयों का निर्माण किया जाएगा, एक सौर प्लांट लगाए जाएंगे गाँवों में। जी हाँ दोस्तों, सौर प्लांट लगाए जाएंगे गाँवों में, जो कि उनकी देख रेख किसानों के माध्यम, किसान अपनी ज़मीन देकर वहाँ पर प्लांट लगा सकता है। और जो बेरोजगार विद्यार्थियों को लिए 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये का कर्ज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो कर्ज है 1 लाख रुपये का कर्ज दिया जाएगा, जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, इसके साथ ही शहरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जी हाँ, शहरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण बात है रोज़गार की, जो सरकारी पदों पर जो भर्ती के लिए क्या कितने पद है कितने पद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 75,000 पदों पर भर्ती के लिए उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 75,000 सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। जो भर्ती कब की जाएगी, ये मार्च 2020 से पहले ही कर ली जाएगी। अब किस विभाग में कितने पद खाली है उसके बारे में हम आपको बता दें कि कौन से विभाग में कितने पद खाली पड़े हो। जी हाँ, अब हम बता दें कि कौन से विभाग में कितने पद खाली पड़े हुए, क्या घोषणा की है। सबसे बड़ी, देखो, राजस्थान बजट 2019-20 ये घोषणा की गई है, बजट की सबसे बड़ी घोषणा है। जी हाँ, बजट की सबसे बड़ी घोषणा है। राजस्थान पुलिस के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि राजस्थान पुलिस का जो मैटर है क्या है ये। तो सबसे पहली बात आती है बजट में जो रोज़गार लोगों के लिए सरकारी पदों पर कितने पदों के लिए भर्ती की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें 75,000 सरकारी पदों पर भर्ती के लिए सरकार ने बजट में बोला है। इस 75,000 पदों में से, जी हाँ दोस्तों, 75,000 पदों में से पूरे पद, लगभग ये पद मैंने दे रखे हैं इसमें, जो बजट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन पदों को पढ़ा है कि इतने पद इतने इतने विभाग में खाली है। जी हाँ, 21,000 पद, जो 21,000 पद है वो शिक्षा विभाग में पद खाली पड़े हुए हैं, इनको भर्ती की जाएगी।
15,000 मेडिकल विभाग में जो भी खाली पद है उनको भरा जाएगा। इसके साथ ही कृषि विभाग में, जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही कृषि विभाग में 6,000 पद खाली पड़े हुए। वन विभाग में वन पुलिस कर्मियों के भी है 1,000 पदों पर भर्ती के लिए। इसके आईटी विभाग में है 800 पद, इन पदों पर भर्ती की जाएगी। हाँ जी, अब बात करते हैं राजस्थान पुलिस की। आप लोगों को सभी को पता होगा कि राजस्थान पुलिस का इस बजट में जिक्र क्यों नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, हम बजट की कॉपी आज शाम तक डाउनलोड कर लेंगे, अभी शाम तक डाउनलोड हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा की साइट पर उसको डाल दिया जाएगा शाम तक, उसको हम डाउनलोड करके एक अच्छा पूरा वीडियो बनाएंगे सभी योजनाओं के बारे में, क्या क्या निर्देश दिए हैं, क्या क्या घोषणाएँ और की है उनके बारे में। तो जी हाँ, क्या उसमें देखेंगे हम कि राजस्थान पुलिस की जो भर्तियाँ हैं क्या उसमें उसका क्या कितने पदों पर थे। जी हाँ, यहाँ पे देखो 75,000 पद है, लेकिन यहाँ पर टोटल 75,000 इनका जोड़ देखा जाए तो टोटल 75,000 नहीं हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इनको मिलाएंगे यहाँ पर 10,000-11,000 जो भी राजस्थान पुलिस की भर्ती भर्ती है उनको मिलाने के बाद ही ये जो 75,000 का आंकड़ा है तभी पूरा हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि राजस्थान पुलिस की खुद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने पहले ही बोल दिया था कि 9,000 पुलिस पदों पर भर्ती की जाएगी और ये प्रक्रिया अभी चालू की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपके लिए एक दूसरा वीडियो और बनाऊंगा शाम को, जिसके बारे में जो भी बजट में पूरा विश्लेषण दे रखा है, हम बजट की प्रिंट लेकर उसके माध्यम से एक वीडियो बनाएंगे, जो भी उसमें घोषणाएं और बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है उनको आपको तक पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बेल आइकन का वो है, घंटी है, उसको दबा दीजिए। अगर कोई भी अच्छा वीडियो, पहले भी मैंने बहुत ही अच्छे वीडियो डाले हैं जिसमें राजस्थान मित्र के ऑनलाइन फोरम हो रहे हैं, राजस्थान पुलिस से संबंधित भर्तियों के संबंध में बताया कि बजट में कुछ घोषणा हो सकती है, बेरोजगार लोगों के लिए भी घोषणा आगे हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।